हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक 3XS गिम्बल का, जिससे आपको वीडियो लेने में काफ़ी आसानी और आपका वीडियो काफ़ी स्मूथ आएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो पैकिंग में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरा इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या फीचर्स है इसमें। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे आपको पूरा लिखा नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, अब देखते हैं कि अंदर से मटेरियल क्या निकलेगा। ये अंदर दूसरा डब्बा है, तो इस डब्बे को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या निकलता है, ये आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नोटिस ये इसमें निकला। और ये है, ये देख लीजिए, ये है गिम्बल। तो काफी अच्छी पैकिंग है इसमें, और भी कुछ है। तो ये यूजर मैनुअल है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा इसको कैसे यूज करना है सब कुछ अंदर इसके लिखा हुआ है। और तो एक और है इसमें, तो इसको हम खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। जी हाँ, ये देख लीजिए, काफी अच्छा ये छोटा सा ट्राइपॉड आता है, ये भी है इसमें, और भी एक है। तो ये बैग को कैरी करने के लिए इसमें आता है। तो ये कहाँ पे हम यूज करेंगे, ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके इसमें लगा हुआ है। तो ये हमको यहाँ से इसमें डालना है और एक इसमें डालना है, ताकि अगर हम ब्लॉक पे जाएं तो इसको कैरी करने में आसानी हो। तो अब क्या करते हैं, अब हम जो हमें मेन चीज देखना है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ये व्लॉगर्स के लिए काफी अच्छा आइटम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो आपको स्मूथ मिलता है, जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप व्लॉगर हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारी गिम्बल। तो इसमें एक और आइटम है, ये क्या है, जी हाँ, ये तो डाटा केबल है चार्जिंग के लिए। एक और आइटम है इसमें, तो ये आप देख सकते हो। तो ये ट्राइपॉड जो है, ये इसको नीचे से यहां से लगता है, तो काफी देखने में तो काफी अच्छा और हल्का है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कैरी करने में काफी आसानी होगी, और वीडियो अगर आप व्लॉगर हो तो आपका वीडियो की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आएगी इससे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बैग मिलता है कैरी करने के लिए, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने ये नया लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको पहले ही ऑन करोगे तो इसका इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसका मोटर बैठ सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर आपने पहली बार ये लिया है तो अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बार कोड लिखा हुआ होता है, यहाँ ये बार कोड आपको स्कैन करना है, और पहले सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। तो तब तक आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गिम्बल जो है ये उसी ऐप से चलती है, तो सारे फीचर्स उसी ऐप में आपको मिलते हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड पे, ये पूरा हम साइड पे रखते हैं। तो
जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने जिससे ये चलती है ऐप वो मैंने डाउनलोड कर ली है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। 3 सेकंड तक आपको इसको ऑन करके रखना है। जैसा कि ये हो गया ऑफ, तो यहाँ पे आपको अगर इसको खोलेंगे तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। जी हाँ, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, और अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो तो उसके लिए ये दूसरा यहाँ पे अवेलेबल है। तो और भी हम देखते हैं, ये अगर आप पूरा कंट्रोल इसमें रहता है, अगर आपको मोबाइल को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, साइड लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, तो पूरा कंट्रोल इसी पे है। तो ये पावर का बटन है और ये मोड का बटन है। तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर मिलते हैं, साथ ही साथ ये क्या है, यहाँ पे एक और ऑप्शन में है एक और चीज़, और यहाँ पे मेन चीज़ इसका ये है, क्योंकि जब आपको वीडियो लेना होता है, फोटो लेना होता है, तो इसको आपको क्लिक करना पड़ता है। तो काम दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने इससे ट्राई भी किया है, मैंने इससे कुछ वीडियो भी लिए हैं, तो काफ़ी स्मूथली वीडियो आए और अच्छे वीडियो आए। तो अगर आप गिम्बल लेना चाहते हो, बजट में लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि डिजिटेक का गिम्बल काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, क्योंकि मैंने इससे बहुत वीडियो लिए हैं और उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आई। क्योंकि अभी मैंने वो यूट्यूब पे डाउन अपलोड नहीं की है, क्योंकि वो आज ही मैंने लिए थे, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई। तो मटेरियल तो ठीक है, एक मैं 1 साल की वारंटी भी आती है इसमें। तो ये ट्राईपॉड कहाँ पे इसको लगता है, ये लगता है इसको यहाँ पे। तो इसको हम ये देख लीजिए, यहाँ पे लगता है ये ट्राईपॉड, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, अगर आपके साथ कोई भी कैमरामैन नहीं है तो आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। देख लीजिए ये हो गया खड़ा, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, मटेरियल भी अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया भाई, ये देख लीजिए, अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी हल्का है, और इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल भी अच्छा है, मेटल भी यूज़ किया गया है, प्लास्टिक भी यूज़ किया गया है, तो काफ़ी यूँ तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आइटम है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरी यूट्यूब चैनल यासिर नायकू व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ।